हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुभ शुभ बोलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। सो कल वैलेंटाइंस डे है। मैं जानता हूँ कुछ लोग बहुत खुश हैं, कुछ लोग थोड़ा सा उदास है, मायूस है, क्योंकि आपका आपके पार्टनर के साथ दूरियां हैं, शायद कम्युनिकेशन नहीं है, शायद झगड़ा है, शायद बातचीत बंद है, और आप दिल से चाहते हो, मन से चाहते हो कि अपने पार्टनर के साथ ये वाला दिन आप सेलिब्रेट करो। ये दिन बहुत खास होता है, खास करके लवर्स के लिए, बट बिकॉज ऑफ फ्यू सर्कमस्टेंसेस ये नहीं हो पाता। और जब आप दूसरे को देखते हैं या फिर आपके ही दोस्तों को किसी को देखते हैं तो आपको भी बुरा लगता है, जो कि मैं समझ सकता हूँ। तो कल वैलेंटाइंस डे है और आज हम ये स्पेशल एक रीडिंग करने वाले हैं, जहाँ पे हम 48 आवर्स के लिए एक एनर्जी चेक इन करेंगे। ये एक लव रीडिंग होगा, प्योर बेस्ड लव रीडिंग होगा, और हम आपके पार्टनर का एनर्जीज चेक करेंगे। बट रीडिंग में जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आज आप मैनिफेस्ट करो, ताकि आपके पार्टनर कल अगर ना भी सही, बट वैलेंटाइंस डे से उनका मूड चेंज हो, उनका एनर्जी भी चेंज हो जाए, और आगे जाके दूसरा जो भी दिन आप लोग मिले वो दिन आपके लिए वैलेंटाइंस डे के समान हो। ओके, और वही दिन आप लोगों के लिए वैलेंटाइंस डे हो, जिस दिन भी आप मिले, आपका रीयूनियन हो, रिकॉन्सिलिएशन हो, कमिंग बैक टुगेदर हो, या जिस दिन भी आप दोनों फिर से एक साथ रिलेशनशिप में आए या फिर से प्यार में आए, वही दिन आपके लिए वैलेंटाइंस डे हो, हर दिन आपके लिए वैलेंटाइंस डे हो। तो जरूर आज कमेंट्स में आज आप सभी मैनिफेस्ट कीजिए, ये भी मैनिफेस्ट कीजिए कि कल हो सके तो सरप्राइजिंगली आपका आपके पार्टनर आए, या अगर फीमेल है तो वो आपको नॉक करे और आप लोग एक साथ वैलेंटाइंस डे मना सको। ओके, तो इसी के साथ आप लोग मैनिफेस्ट जरूर कीजिए कमेंट्स में। हम स्ट्रेट अवे रीडिंग पे चले जाते हैं। ये एक स्पेशल रीडिंग है, वैलेंटाइंस डे स्पेशल रीडिंग है। हम चेक करेंगे उनका एनर्जीज क्या है। इसका वैलिडिटी 48 आवर्स तक रहेगा, यानी कि वैलेंटाइंस डे के बाद आज और वैलेंटाइंस डे तक ही इसका एनर्जी रहेगा, और हम चेक करेंगे कि क्या एनर्जी है। होपफुली कि अच्छा कुछ एनर्जी देखने को मिले। ओके, एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा, हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट अगर मैं आपको दिख रहा हूं ये वीडियो ऑटोमेटिकली, अगर आपके सामने आ गया है या मैं आ गया हूं, तो इस वीडियो के अंदर कोई ना कोई मैसेज, कम्युनिकेशन, गाइडेंस आपके लिए जरूर होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, और यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकता है, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ये एक लव रीडिंग है, प्योर लव रीडिंग है, तो कोई भी सिचुएशन, सिंगल्स, मिंगल्स, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, क्रश, मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स, कोई भी सिचुएशन में ये रीडिंग रेजोनेट कर सकता है, फिट इन हो सकता है, अपने सिचुएशन के हिसाब से इसको लीजिएगा। बट आपके और आपके पार्टनर के बीच में लव रिलेशनशिप होना कंपलसरी है। ओके, तो लेट्स सी के इस 48 आवर्स में, वैलेंटाइंस डे स्पेशल रीडिंग में, व्हाट इज देयर करेंट जनरल एनर्जी। लेट्स सी इस 48 आवर्स में, जो कि वैलेंटाइंस डे का अभी टाइम है, अभी वक्त है, लेट्स सी के व्हाट इज देयर करेंट जनरल एनर्जी। Let's see what is their current general energy. Oh, we got the card. See, एकदम jump करके आया है, and their current general energy is the star card. Okay, I think this person is deeply, deeply manifesting you back in their life. Okay, एक तरह से they are feeling कि वो खुद भी healed हो गए हैं, या फिर ये रिश्ता काफी हद तक healed हो गया है, और bottom of the deck is the nine of wands. I think they want
के इनपुट्स दे, ओके, आखिरी दम तक कोशिश करते रहे इस रिश्ते को बचाने का, इस रिश्ते को टिकाने का। और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है स्टार का राइजिंग, दे आर फीलिंग के स्टार्स आर अलाइन, खूबसूरत मोमेंट, खूबसूरत वक्त है, और वो खुद भी थोड़ा बहुत काफी हद तक हील्ड हो चुके हैं। आई थिंक उनको भी ऐसा लग रहा है कि आप भी काफी हद तक हील्ड हो चुके हो। पहले जितना टेंशन भरा माहौल था अभी आप दोनों के बीच में उतना नहीं है, अभी पानी थोड़ा सा शांत है, एंड दे आर मैनिफेस्टिंग यू बैक इन देयर लाइफ। वैलेंटाइंस डे पे क्या एक्शन होगा क्या नहीं होगा वो हम देखेंगे रीडिंग में आगे, बट डेफिनेटली उनके एनर्जीज में आपके लिए काफी ज्यादा चेंजेस आया है, दैट इज फॉर श्योर। लेट्स क्लैरिफाई दिस स्टार कार्ड, व्हाई दिस स्टार कार्ड इज हियर, लेट्स सी। ये जो एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं इसका एनर्जी 48 आवर्स तक रहेगा, उसके बाद नया रीडिंग, ओके? इसका एनर्जी सिर्फ 48 आवर्स, ये वैलेंटाइन डे स्पेशल रीडिंग है, तो लेट्स सी। द स्टार कार्ड बीन क्लैरिफाइड बाय द मजीशियन कार्ड, डबल कंफर्मेशन, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। मेरा रीडिंग यूजुअली कभी गलत नहीं होता, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। बॉटम ऑफ द डेक इज द एस ऑफ वॉन्स, आई थिंक दिस पर्सन इज कमिंग बैक, विल कम बैक इन योर लाइफ, इधर दे आर कमिंग बैक और डेफिनेटली दे विल कम बैक इन योर लाइफ, एंड दे आर बिग टाइम, दे आर मैनिफेस्टिंग यू बैक इन देयर लाइफ, और दे आर मैनिफेस्टिंग देम बैक इन योर लाइफ। अब आप बोलेंगे कि आपने इतना ज्यादा इंग्लिश बोल दिया, आप सब समझते हो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं खुशी के मारे मेरे मुंह से इंग्लिश निकल गया, ओके, मैं हिंदी में भी एक बार बोल देता हूं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है और वो आपको फिर से वापस पाने के लिए विश कर रहे हैं, ओके, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, मैंने मैनिफेस्ट का हिंदी मीनिंग ढूंढ के निकाला है, संकल्प कर रहे हैं कि आप उनके जिंदगी में फिर से वापस आओ, और बहुत ही खूबसूरत सा वो एक तरह से ख्वाब देख रहे हैं कि आप उनके लाइफ में हैं एज अ फैमिली, आपके साथ वो खूबसूरत सा पल, खूबसूरत सा दिन, खूबसूरत सा मोमेंट्स बिता रहे हैं, और बहुत ही स्टेबल तरीके से, बहुत ही ज्यादा स्टेबल वे में वो आपके जिंदगी में वापस आना चाहते हैं या फिर आ रहे हैं, ओके। अभी अगर नहीं दिखता है, मैंने क्या बोला, कल अगर वैलेंटाइंस डे ना भी मनता, क्या बोलते हैं उसको, ना मना सके, आगे भी जाके कभी भी ये इंसान जब वापस आएंगे विथ अ वेरी सॉलिड रिलेशनशिप, विथ अ वेरी सॉलिड ऑफर, वही दिन आपके लिए वैलेंटाइंस डे होगा, उसी दिन को वैलेंटाइंस डे की तरह आप मनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस है, बहुत ही खूबसूरत स्क्रैच लेवल से, एकदम फ्रेश लेवल से, ओके, विथ क्लीन स्लेट्स। अब इतना इंग्लिश इतना हिंदी मैं नहीं बोल सकता, बस बहुत बहुत एक्साइटेड हूं मैं, बहुत अच्छा एनर्जी है, बहुत अच्छा एनर्जी है, आई एम वेरी हैप्पी। नाउ लेट्स सी के व्हाट इज देयर करंट फीलिंग। वाओ वाओ, आज तो धमाका। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कल हाई हेलो मैसेज आए, कुछ आए, इन सम केसेस हो सकता है, ओके, बट ज्यादातर केसेस में जो मैंने देखा आपके लिए इस इंसान का जो नजरिया है वो काफी चेंज हुआ है, इनका फीलिंग, इनका एनर्जी, काफी एनर्जी के अंदर चेंजेस आया है, और फ्यूचर में एक बहुत ही स्टेबल रिश्ता ये आपको देंगे, दैट इज फॉर श्योर। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स। वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये चाहते हैं कि क्लैरिटी आए आपके आपके सिचुएशन में भी और उनके जिंदगी में भी। वो बहुत ही ज्यादा खुद को प्रैक्टिकल समझ रहे हैं, सिचुएशन को प्रैक्टिकल समझ रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि गुड टाइम्स आर कमिंग, सो अभी इस मोमेंट को खराब करने का कोई मतलब नहीं बनता, ओके, अच्छा वक्त आ रहा है और अच्छे वक्त को अच्छे तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से अपना लेने में ही समझदारी है, ओके, सो ये खुद को थोड़ा सा समझदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये भी कोशिश कर रहे हैं ताकि क्लैरिटी आए, ओके, चीजों के अंदर एकदम साफ साफ चीजें आपके सामने भी रहे, उनके सामने भी रहे। लेट्स क्लैरिफाई दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देयर फीलिंग इज टू क्लियर द एयर। आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो मिसअंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली क्लियर करने के लिए ये काफी ज्यादा रेडी है, एक तरह से दे आर रेडी टू क्लियर द एयर, ओके। लेट्स क्लैरिफाई दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स।
King of Swords been clarified by Eight of Cups, Six of Pentacles and Queen of Swords. King of Swords and Queen of Swords. Bottom of the deck is Knight of Swords. Swords, Swords and Swords. King of Swords, Queen of Swords. आप दोनों ही एक जोड़ी हैं. आप दोनों ही एक दूसरे के soulmate kind of connection हैं. This King of Swords wants this Queen of Swords back in their life. आप लोगों का जेंडर कुछ भी हो सकता है. टेक इट हाउ इट ओनली रीडिंग को सुनिए ध्यान से. ओके, दे वांट द बैलेंस बैक इन दिस सिचुएशन. जिस सिचुएशन को ये छोड़ के चले गए थे, अब उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे इस चीज के अंदर बैलेंस वापस लेके आना चाहिए, मुझे चीजों के अंदर क्लैरिटी लाना चाहिए. सो आप दोनों ही एक तरह से क्लैरिटी चाहते हैं. आप दोनों ही चाहते हैं कि चीजें खुल के सामने आए, कम्युनिकेशन हो, साफ साफ बातें हो, ताकि आगे जाके भी, फ्यूचर में भी, कभी भी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. एंड भाग के कोई आपके सामने आए, या फिर ये इंसान भाग के आप, या ये इंसान ऐसा देयर फीलिंग लाइक के आप भाग के इनके सामने आओ. ओके, एक दूसरे को आप लोग रीच करो भाग के. अब कौन आगे ज्यादा तेज भागेगा वो मुझे नहीं पता, बट ये इंसान चाहते हैं कि आप भाग के इनके सामने आओ और इनको जकड़ लो, और आप चाहते हैं कि ये भाग के आपके सामने आए, चीजों को क्लैरिफाई करे और आपको जकड़ ले. ओके, दोनों ही चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से कुछ हो. ओके, क्योंकि कल वैलेंटाइंस डे है, सो जल्दी जल्दी से बातचीत हो, जल्दी जल्दी से कम्युनिकेशन हो किंग ऑफ क्वीन, किंग एंड क्वीन के बीच में. ओके, एंड दिस इज द बॉटम ऑफ द डेक. आप दोनों चाहते हैं जल्दी 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 से सब कुछ हो जाए, मतलब बहुत जल्दी. वाओ, ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज योर करेंट जनरल एनर्जी. लेट्स सी व्हाट इज योर फीलिंग्स. आपका फीलिंग्स देखते हैं. लेट्स सी व्हाट इज योर फीलिंग्स. व्हाट इज योर करेंट फीलिंग्स. Let's see what is your current feelings. Okay. Ace of Pentacles and bottom of the deck is Five of Swords. जो रिश्ता खत्म हो गया था, आप चाहते हैं एक stable तरीके से, solid तरीके से उस रिश्ते के अंदर नया beginning हो. Very clear and cut आपका current feelings है. आप चाहते हैं कि कल Valentine's Day है, कल आपके पार्टनर आपको प्रपोज करे, कल आपको कमिटमेंट दे, कल आपको लव ऑफर करे, कल आपको स्टेबिलिटी ऑफर करे, और जो रिश्ता खत्म हो गया है उस चीज में नया बिगिनिंग हो. वेरी सिंपल. इसमें मुझे और क्लैरिफाई करने का कोई दरकार नहीं है. इट्स अ वेरी क्लियर कट एनर्जी. ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर का इस वैलेंटाइंस डे में, इस 48 आवर्स में क्या थॉट्स है, क्या सोच है उनका. लेट्स सी द सोच. लेट्स सी के क्या सोच रहे हैं वो. लेट्स सी क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी. व्हाट इज देयर करेंट थॉट्स. ये एनर्जी 48 आवर्स तक रहेगा. लेट्स सी द हैंग्ड मैन काफी ज्यादा सोच रहे हैं. They are thinking, thinking, thinking and overthinking. Okay, the hanged man, bottom of the deck is... Oh, they are restless. Nine of Swords. I think raat ko kaafi zyada wo raat ko jaag rahe hain. They are unable to sleep at nine on and they are thinking. They are very much thinking about you. Mujhe to aisa lag raha hai. Let's clarify. Kiske baare mein soch rahe hain. बट डेफिनेटली वो रात रात भर जाके आपके बारे में सोच रहे हैं, इतना मेरे को तो लग रहा है, या सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, और हर तरफ से, हर एंगल से चीजों को एनालाइज कर रहे हैं. जो कि मैंने बोला, क्लैरिटी. ओके, आपको भी क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के माइंड को भी क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, साफ साफ सोचने की कोशिश. The hangman has been clarified by page of wands, the lovers and nine of wands. क्या मुझे कुछ बोलने का दरकार है. मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं. मैंने क्या बोला कि आपके बारे में सोच रहे हैं. They are thinking big time about you, about this relationship, the lovers
एंड पेज ऑफ वंड्स, दे आर गेटिंग वेरी पैशनेट, वो आपके लिए काफी ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, रोमांटिक रोमांस फील कर रहे हैं, दे आर गेटिंग वेरी रोमांटिक एंड दे आर फीलिंग, दे आर थिंकिंग के नहीं इस रिश्ते में मुझे इनपुट्स देना चाहिए और इसमें इसमें मुझे आखिरी दम तक मुझे कोशिश करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए. ओके, एंड दे आर टेकिंग अ वेरी बिग डिसीजन रिगार्डिंग दिस कि नहीं अब इस पार या उस पार, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, अब तो मुझे कमिटमेंट देना ही पड़ेगा, अब तो आगे आना ही पड़ेगा विथ अ सॉलिड ऑफर विथ अ वेरी पैशनेट मोड. पैशन पैशन एंड वेरी मतलब बहुत ज्यादा फायर एनर्जी है, पैशन. वाओ, ओके, नाउ लेट्स सी. मैं बोला ना मैंने कि बहुत ज्यादा ये सोच रहे हैं, दे आर ओवर थिंकिंग. लेट्स सी व्हाट इज देयर इरादा, व्हाट इज देयर इंटेंशन, व्हाट दे वांट, व्हाट इज देयर इंटेंशन फॉर द वैलेंटाइंस डे सिचुएशन. 48 hours, व्हाट इज देयर इरादा, व्हाट इज देयर इंटेंशन. लेट्स सी. वाओ, सेवन ऑफ वॉन्स, बॉटम ऑफ द डेक इज थ्री ऑफ कप्स, रियूनियन. अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है या आप दोनों के बीच में कोई ब्लॉकेज है, ये इंसान चाहता है कि इस रिश्ते के लिए, खुद के लिए, आपके लिए स्टैंड ले. मैं थोड़ी देर पहले ही बोला कि आखिरी दम तक वो कोशिश करना चाहते हैं. दिस टाइम दे वॉन्ट कि वो अपना एफर्ट्स एंड एनर्जी दे, अपना इनपुट्स दे और फिर से वही रियूनियन हो, फिर से वही कमिंग बैक टूगेदर हो, फिर से एंजॉयमेंट, गुड टाइम्स, और आप एक दूसरे का साथ हो खास करके, एंड सेलिब्रेशन हो. अब ये कल होगा नहीं होगा एक्शन में देखेंगे, बट डेफिनेटली इरादा तो वैसा है कि सेलिब्रेशन हो. या काफी हद तक ये सोच भी रहे हैं. फोर ऑफ स्वॉर्ड्स इसके नीचे. ओके फाइन, लेट्स सी. आपके तरफ से इस 48 आवर्स में कोई एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है या नहीं, आप लोगों की तरफ से कौन एक्शन लेंगे, लेट्स सी. आप लोगों की तरफ से इस 48 आवर्स में कोई एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है या नहीं, आप लोग वैलेंटाइंस डे में क्या एक्शन लेने वाले हैं, लेट्स सी. ओके, We have the chariot, the hierophant, and the devil. Oops. Bottom of the deck is six of swords. कुछ समझे? कुछ समझे कि नहीं समझे? Okay. ओके, सो आई थिंक आप कोशिश करेंगे टू बी वेरी स्पिरिचुअल कल का दिन. हाँ, आप कोशिश करेंगे कि मूव ऑन करने का रिश्ते के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि कुछ होगा नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर, मेरे पार्टनर आएंगे नहीं आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे नहीं आएंगे, मुझे कुछ पता नहीं. सो अल्टीमेटली मुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए. सो आप आगे ही बढ़ेंगे और यहां पे थोड़ा बहुत मैं ऑनेस्टली रीडिंग करता हूं, तो मैं सीधा सीधा बोलता हूं, इन सम सिचुएशंस किसी नए इंसान के साथ आप डेट पे जाएंगे. ओके, ये आपके पार्टनर नहीं है, बट किसी नए इंसान के साथ या फिर ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ शायद घर वालों ने आपका कुछ शादी तय किया है या फिर रिश्ता तय किया है या फिर ऐसा कोई रिश्ता आया है या मैट्रिमनी का कोई बंदा है या ऐसा कुछ, और इनके साथ आप डेफिनेटली डेट पे जाएंगे जस्ट टू टेस्ट द वॉटर, जस्ट टू सी कि वो बंदा कैसा है, ऐसा कुछ. मतलब आप वैलेंटाइंस डे खाली नहीं जाने देंगे. ओके, आपके तरफ से ये एक्शन है कि ऐसे किसी बंदे के साथ या बंदी के साथ, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ भी बोलूं, जेंडर वाइज कुछ भी हो सकता है, उनके साथ आप जाओ
ओके आप उनके साथ आगे बढ़ो, उनके साथ एंजॉय करो। यहां पे थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी दिख रहा है, फ्लर्टिशियस एनर्जी मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा है, थोड़ा सा अट्रैक्शन एडिक्शन भी होगा ये भी मुझे दिख रहा है। एंड ऑल्सो एक चीज मैं बहुत ही ऑनेस्टली आपको बोलना चाहता हूं, इस चीज का पोस्ट आप सोशल नेटवर्क पे डालेंगे आपके पार्टनर को दिखाने के लिए, टू मेक देम जेलस। ओके, जिसके साथ ये एनर्जी रेजोनेट करता है उनके लिए ही है, बाकियों हर एक के लिए आज का रीडिंग नहीं होगा, जिनके साथ रेजोनेट करता है सिर्फ उनके लिए मैं बोल रहा हूं। ओके, ये जो एनर्जी है ये कुछ कुछ लोगों के लिए रेजोनेट कर सकता है आपका एक्शन, बट जितना मुझे लगता है आप अकेले नहीं रहेंगे, हो सकता है किसी ऐसे इंसान के साथ भी आप रहो जिसके साथ सिर्फ आपका नॉर्मल दोस्ती है, बट जस्ट टू मेक योर पार्टनर जेलस आप उनके साथ जाएंगे भी डेट पे, उनके साथ फोटोज भी शेयर करेंगे सोशल नेटवर्क पे, ताकि आपके पार्टनर वो चीज देखे और जिससे कि उनको जेलस हो, जिससे कि उनको लगे कि नहीं आप अकेले नहीं है। ओके, जस्ट टू मेक देम फील जेलस, जस्ट टू कंट्रोल देयर इमोशन यू विल डू दिस। ओके, नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम है इन दिस सिचुएशन। वाओ वाओ, कहानी में ट्विस्ट। लेट्स सी द क्लाइमैक्स ऑफ द रीडिंग विद इन दिस 48 आवर्स। इस वैलेंटाइंस डे में क्या होने वाला है, क्या एक्शन है, क्या आउटकम है आपके पार्टनर की तरफ से। लेट्स सी, दिखाओ कुछ एक्शन भाई या बहन जो भी है। वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, द 10 of Wands एंड सत्यानाश। ओके, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 of Wands, 4 of Swords एंड बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ कप्स। किसी का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है पहली बात। ओके, हल्का फुल्का कम्युनिकेशन यू कैन एक्सपेक्ट। डेट पे अगर ले जाने की बात करें ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, डेट वेट पे कुछ नहीं लेके जाएंगे ये, और ना ही वैलेंटाइंस डे पे आप लोग बाहर जाके ऐसा कुछ मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हल्का फुल्का टेक्स्ट यू कैन एक्सपेक्ट, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, एक कुछ वॉलपेपर भेज दिया, कुछ फोटो भेज दिया, कुछ किया, हल्का फुल्का यू कैन एक्सपेक्ट, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स है, मेजर अरकाना है, थोड़ा बहुत मेजर वे में ये चीज हो सकता है, या फिर उनका एक उनका रहना या उनका टेक्स्ट करना हल्का फुल्का चीज है, आप महसूस कर सकते हैं या कुछ एनर्जी आप दिख सकते हैं कि आपके पोस्ट पे लाइक कर दिया या ऐसा कुछ, जस्ट टू मेक देम फील के वो लोग अभी भी है सिचुएशन में। ओके, सो वो थोड़ा बहुत ये जो बर्डन है इसको ड्रॉप करेंगे एंड दे आर अ बिट इन अ हीलिंग मोड, जो कि उनका एनर्जी में भी था। स्टार कार्ड यहां पे 4 of Swords है, हीलिंग मोड ही चलेगा, बट इस ये जो हील हो रहे हैं ना ये, इस वजह से इनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है धीरे धीरे। ओके, आगे जाके ये फायदेमंद होगा इन फ्यूचर। ओके, अभी आपको कुछ लग नहीं रहा है या अभी उतना बड़ा चढ़ा के कुछ होगा भी नहीं, हल्का फुल्का ही जो भी होगा 48 आवर्स में हल्का फुल्का कम्युनिकेशन होगा, बहुत ही नॉमिनल, हाई हेलो किस्म का या हैप्पी वैलेंटाइंस डे, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, एक फोन कॉल भी हो सकता है, उमर उमर के प्यार नहीं दिखेगा, बस उमर उमर के नहीं दिखेगा, बट उनके मन के अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार रहेगा भी, बट वो जाहिर नहीं करेंगे, जाहिर नहीं करेंगे। आगे जाके फ्यूचर में काफी स्टेबिलिटी आपको मिल सकता है इस चीज के ऊपर, काफी स्टेबिलिटी मिलेगा, अभी के लिए 48 आवर्स में इससे ज्यादा कुछ नहीं, मैं बहुत ऑनेस्टली बोलता हूं। सो जो मैं देख रहा हूं मैं वही बोल रहा हूं। ओके, नाउ लेट्स सी के साइंस, कौन सा साइन है ये, हो सकता है आपके पार्टनर का साइन है, हो सकता है आपका साइन है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। अगर साइंस मैच नहीं करता बट रीडिंग अगर आपके साथ मैच करता है तो ये आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे। लेट्स सी, वी आर कनेक्टेड। ओके, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन,
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइंस, हेवी अर्थ साइंस एंड कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो ऑल्सो. सो एक्वेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हेवी अर्थ साइन, हेवी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एरीज लियो सजिटेरियस कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, ये बहुत ही नॉमिनल होगा, ज्यादा से ज्यादा अर्थ साइंस. ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस. ओके ओके, नाउ लेट्स सी इस वैलेंटाइन्स डे में यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है, जो भी है. लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है, स्पिरिचुअल मैसेज है, क्या है देखते हैं फॉर दिस वैलेंटाइन्स डे. We have the Page of Pentacles, the Seven of Wands, and Three of Cups. Bottom of the deck is the Ace of Cups. I think कोई आपको unblock करने वाले हैं. अगर already blocked है आप लोग, तो हो सकता है आपके partner आपको unblock कर दे. Okay? High hello किस्म का चीज हो. कुछ कुछ sector में हो सकता है, कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि celebration हो. Okay? कुछ कुछ सेक्टर में, खास करके एरीज लियो सजिटेरियस एंड कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो. ओके, इन लोगों के लिए हो सकता है कि हल्का फुल्का सेलिब्रेशन भी हो, साथ ही साथ में कम्युनिकेशन हो, आपको अनब्लॉक करे और दिल खोल के कुछ बातचीत हो. ओके, और आप लोग एक जॉयस मोमेंट बिताओ. ये यूनिवर्स का स्पिरिचुअल मैसेज है, स्पिरिचुअल गाइडेंस भी है. ये हो सकता है 48 आवर्स में रेजोनेट कर सकता है या फिर आगे जाके भी. मुझे पता नहीं, इंट्यूटिवली आई एम फीलिंग कि कल अगर कुछ ना भी हो, आगे जाके ये जो इंसान है ये आपको रीच जरूर करेंगे, आपसे बातचीत जरूर करेंगे और इनका हार्ट चक्र इज ओपनिंग. सो आगे जाके आपको प्रपोजल जरूर देंगे और आपके साथ एक नए तरीके से चीजों का शुरुआत होगा. दैट इज मुझे ऐसा लग रहा है. ओके, इंट्यूटिवली ये कल हो ना हो मुझे नहीं पता, आगे जाके डेफिनेटली ये होगा. ओके, सो ये था वैलेंटाइंस डे स्पेशल रीडिंग. सो कैसा लगा ये रीडिंग जरूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा. और जो मैनिफेस्टेशन मैंने बोला है कि आज आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए वैलेंटाइंस डे अपने पार्टनर के साथ, अगर वो नहीं तो एटलीस्ट वैलेंटाइंस डे से आपके पार्टनर के एनर्जी के अंदर, उनके मन के अंदर आपके लिए प्यार बढ़े और आपका रिश्ता सुधर जाए, इस चीज का मैनिफेस्टेशन आप लोग जरूर कीजिएगा आज कमेंट्स में. अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.